क्या हिस्ट्री बताओ आप यहाँ की, क्या है मतलब। भाई हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है भद्रकाली टेम्पल, ठीक है। नगर देवी है अहमदाबाद की, वहाँ का टेम्पल है, ठीक है। तो सामने ही टेम्पल है, तो जैसे सामने एग्जैक्ट भद्रकाली का मंदिर है वो देख रहे हैं वहाँ, तो वहाँ से एग्जैक्ट थोड़ा सामने आप आओगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका टू व्हील का पार्किंग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आओ तो टू व्हील लेके जाना, क्योंकि या फिर चल के आना वैसे कैसे, ठीक है ना। तो यहाँ से टू व्हील अपने पार्क कर दिया और यहाँ से पर्ची ले लेंगे, तो अपना क्या सेफ एंड सिक्योर पार्क हो जाएगा, ठीक है। तो अभी पर्ची वर्ची में निकल देता हूँ, और उसका मतलब कुछ 5-10 रुपये होगा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 20 रुपये का जो भी होगा वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं भद्रकाली टेंपल में, ठीक है। और ये है लाल दरवाज़ा, तो यहाँ पर आपको कुछ शॉपिंग करनी है ना तो कर सकते हो, जैसे दिल्ली में कैसा चांदनी चौक है, फिर वो सब मार्केट नहीं बोलते, मेरे को इतना याद नहीं है, लेकिन वैसे यहाँ पर सब मार्केट और ये सभी चीज़ें। और देखो अहमदाबाद ऐसी सिटी है ना, यहाँ पर आपको खाने के रहने की कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। कहीं भी गली पर नुक्कड़ पर चले जाओ, आपको कहीं भी चाय की टपरी या नाश्ते का ये सभी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और सामने ये रहा हमारा भद्रकाली का मंदिर, और साइड में ही है भद्र फोर्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ खाना है तो यहाँ पर भी आप खा सकते हो, ठीक है। ये है सब आपको अच्छा खासा मिल जाएगा खाने का, और कुछ शॉपिंग करनी है तो वो भी कर सकते हो। ये रहा इसका मेन एंट्रेंस, और यहाँ लिखा, अगर गुजराती नहीं आते बताओ, यहाँ पर लिखा है नगर देवी श्री भद्रकाली माता जी मंदिर, यानी कि भद्रकाली माता का टेम्पल। तो अभी हम सीधा अंदर जाएंगे, मैं दर्शन करूँगा, और बाद में हम भद्र फोर्ट में चले जाएंगे, ठीक है। सो गाइस ये है हमारा भद्र फोर्ट, ठीक है, एग्जैक्ट भद्रकाली टेम्पल के साइड में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आना, अभी तो सब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का और ये सब आई थिंक रिनोवेशन सब हो रहा है, बाकी जितना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये है यहाँ की वॉच, ठीक है, क्लॉक, यहाँ से टाइम देख सकते हो। ये है बड़े बड़े गेट। सो गाइस ये था अपना भद्रपुर, ठीक है, इतना है कुछ अभी। अभी यहाँ से हम कहाँ जाने वाले, आई थिंक यहाँ से हम जाएंगे रानी नो हजीरो, ये आपने सुना होगा शायद, तो वो जगह पर अभी हम जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से तकरीबन 900 मीटर यानी कि 1-1.5 किलोमीटर के आजू बाजू में, देख लेते हैं कितना टाइम लगता है। तो हमारी कितनी टोटल 3-4-5 जगह हो गई है, और अभी 5 जगह बाकी है, देखते 5 या 4 जितनी हो सकती उतनी कंप्लीट करेंगे। तो चलो यार मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन। कहीं जाए उससे पहले थोड़ा सा फ्रेश जूस पी लेते हैं, जिससे ताजगी बनी रहे और ट्रैवलिंग करने में भी बड़ा ही मजा आ जाए। तो गाइस आपको एक सलाह देना चाहूंगा, वैसे तो यार आपको पता होगा कि यार कहीं पर घूमने वूमने आओ ना तो क्या करो कि सुबह ही अच्छा सा मतलब नाश्ता कर लो आप, और दोपहर में मत खाना। मतलब क्या है कि दोपहर में अगर यार जैसे मैंने अभी फ्रेश जूस पी ना, तो वैसे ही कोई जूस और ये आप पी लो तो मतलब वो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि क्या है ना फिर मतलब पूरा ब्लोटिंग ब्लोटिंग जैसा लगेगा अगर आप ऐसे मतलब खाओगे ना। तो जैसे मैंने अभी क्या बात की थी, जैसे हम रानी नो हजीरो जाने वाले थे ना, तो रानी नो हजीरो तो उस जाएगा, लेकिन उससे पहले एकदम सामने ये भद्र फोर्ट के सामने जो कि है 3 दरवाज़ा, तो वो भाई मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये है 3 दरवाज़ा, तो जहाँ से क्या है कि किंग थे ना उस समय में वो एंटर करते थे, ठीक है। तो ये है अपना 3 दरवाज़ा, आप देख सकते हो, बस यही है मतलब भद्र फोर्ट, भद्रकाली मंदिर, और ये मतलब देखने में आपको मतलब मान लो ना आधा पौना घंटा लगे, 1 घंटा ले लो, क्योंकि क्या कि अगर थोड़ा सा बैठना है दोस्त है तो बातचीत कर दो, तो उसमें मतलब मैक्स टू मैक्स 1 घंटा, उससे ज़्यादा तो आपका 1 मिनट नहीं लगेगा, ठीक है। और अभी हम सीधा चलते हैं रानी नो हजीरो। देखो गाइस ये ना एकदम मेन सिटी के सेंटर में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहीं भी घूमोगे ना ये सभी जगह पर, तो आपको मतलब बहुत ही कम जगह मिलेगी। तो ट्राई करो कि आप अपने टू व्हीलर में घूमो या फिर ऑटो रिक्शा ऐसा कुछ ले लो, वरना तो फिर आप परेशान हो जाओगे, आपको ना कहीं पर पार्किंग मिलेगा और ये सभी समस्या बहुत होगी, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। तो अभी जहाँ पर हमने एंटर किया वो पोड़ वाली सभी जगह, ठीक है। आपने तारक मेहता में देखा होगा कि दया बहन बोलती पता है ना कि ये पोड़ में रहता है वो पोड़ में रहता है, तो बेसिकली ये सभी पोड़ है, यानी कि एकदम छोटी छोटी गलियाँ होती है और बीच में से रास्ते होते हैं, तो यहाँ से आपको निकलना पड़ता है। सो गाइस ये है रानी नो हजीरो, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। गाइस ये है रानी नो हजीरो, ठीक है। एग्जैक्ट कहाँ पर है अपना जो मानेक चौक है ना, वहाँ पर सेंटर में ही है। तो यहाँ पर आपको पार्किंग का थोड़ा इश्यू होने वाला है और अंदर आने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी आप देख सकते हो कि प्रॉपर यहाँ पर ऐसे चारों तरफ आप घूम सकते हो। वैसे ना पूरे यहाँ पर लॉक होता होगा, तो
आप यहाँ से बाहर से किसी के पास चाबी मांग लोगे ना, वो आपको चाबी दे देंगे, तो वैसे वो खोल के आप यहाँ पर अंदर आ सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको बैठना है तो यहाँ पर आप बैठ भी सकते हो। तो ये है ऐसे कुछ, इतना ही यहाँ पर देखने का। और बाकी चारों तरफ तो यहाँ पर मतलब है ना एकदम घिचो घिच, मतलब सेंटर में अहमदाबाद के एकदम सेंटर में से बोलो, तो यहाँ पे आने में थोड़ी आपको दिक्कत आएगी। अब यहाँ से हम जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, तो वो डेस्टिनेशन ना मैं वहीं पर जाके आपको मिलाऊंगा। चलो, ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर मेंटेन न्यू है, क्योंकि ये देखो ना चारों तरफ यहाँ पर क्या है कि हाँ देख लिया, पूरा पूरा देख लिया, हाँ देख ली क्या या? हाँ अंदर जो था वो सभी देख लिया मैंने। अच्छा ओके, क्या था, क्या हिस्ट्री बताओ आप यहाँ की, क्या है मतलब मेरा फोटो मतलब। ठीक है चलो, आप बोलो सिर्फ, आपकी आवाज आएगी तो सभी लोगों को भी पता चल जाएगा कि ओके क्या है ये महमूद बेगड़े की ओके इतनी बेगमा थी ना तो हाँ? पहले दिन ही गुजर जाते। क्या बात कर रहे हो, महमूद बेगड़े के अब्बा को उनके नजूमी ज्योतिष ने बोला था हाँ? कि आपके लड़के को कोई जवान होगा तो जहर देगा। अच्छा, तो बचपन से उनको मक्खी के पर जितना जहर देते थे। अच्छा, वो हाँ शिवाजी जैसा हाँ? है ना, जब वो जवान हुआ ना तो अपना कटोरा भर के पीता, तो भी कुछ नहीं होता था नहीं, वो सही पाचन हो गया। फिर उसके बाद वो घर पाचन होता है तो जवान हो गया, 20 साल के बाद उनका मैरिज तो करना ही पड़ेगा। सही बात है, सही बात, जहाँ भी मैरिज करे तो वीडियो में झेर आ सब बेगमा मर जाती। अच्छा हाँ समझ गया। जामा मस्जिद तो मैं पहुंच चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर ना भाई कोई भी मेरे को पार्किंग नहीं दिख रहा, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखा दिया कि भाई ये देखो सामने है, और ये यहाँ पर मतलब दोनों तरफ मार्केट है, ठीक है, तो फुल मतलब पार्किंग पूरा फुल है। और मैं नहीं चाहता कि भाई कोई मेरा व्हीकल उठा के ले जाए और बाकी की जगह मैं ना घूम सकूँ। चलो यार, अभी मैं निकलता हूँ रानी सिपरी की मस्जिद के लिए, ठीक है। सो गाइस, ये है रानी सिपरी मस्जिद, ठीक है। ज़्यादा मैं शूट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल आपको जस्ट ये दिखा दे रहा हूँ कि ऐसा है कुछ, यहाँ पर आ सकते हो आप। रानी सिपरी की मस्जिद से बाहर निकलते ही आपको थोड़ा सा आप 100 मीटर आओगे ना तो ये दिख जाएगा अस्टोडिया जूस सेंटर भजिया हाउस, तो यहाँ पर आप जूस पी सकते हो, सब भजिए वजे जो खाना है खा सकते हो। और यहाँ से थोड़ा सा आगे चले जाओगे ना तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा रायपुर भजिया हाउस, ये शायद आपने सुना होगा, अहमदाबाद में बहुत ही फेमस है, तो आओ तो एक बार वो ज़रूर ट्राई करना आप। सो गाइस, ये है हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, झूलता मीनारा। उसका क्या रहस्य और क्या है वो मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा, ठीक है। लेकिन करेंटली अभी हमें उसका नाम है झूलता मीनारा, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है और कैसे था सब कुछ, ठीक है। तो ये है अपना झूलता मीनारा, ठीक है। अभी आप देख सकते हो ना, इसकी हाइट आपको ज़्यादा लग रही होगी और इसकी कम है, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि झूलता मीनारा इसको इसीलिए कहा जाता है ना, क्योंकि अभी तो ये बंद कर दिया है, लेकिन पहले ना आप इसके ऊपर जा सकते थे, और जैसे मान लो आप इसके अंदर गए और इसको हिलाए ना तो ये भी हिलता था, और इसको हिलाओ तो ये भी हिलता, मतलब सोच सकते हो ना उस समय में कैसे बनाया होगा ना, तो मतलब ये मतलब बोल सकते हो कि भाई चमत्कार ही जैसा था। लेकिन अभी इसे बंद कर दिया है, क्योंकि क्या है कि बहुत सालों से बना है तो उस वजह से ना ये टूट गया, ठीक है। पहले इसकी हाइट भी कुछ ऐसी ही थी, मतलब इतनी ही थी, लेकिन अभी क्या है कि ये टूट गया, तो इसी वजह से फॉर अ सेफ्टी रीज़न इसको अभी बंद कर दिया, ठीक है। तो अभी आपको देखना है तो आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। पर आप सामने सीधा जाओगे ना तो ये अहमद शाह की माता जी थी। हाँ भाई बोलो, हाँ यूट्यूब चैनल है, बताओ आपका, हाँ पैशनेट पार्थ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ था, ठीक है ना, आप यहाँ पर आ सकते हो। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो अहमदाबाद है ना वो इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, ठीक है। तो यूनेस्को ने इसको दर्जा दिया है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। कैसा लग रहा है आपको व्लॉग ये भी मुझे बताना। और हाँ, अभी इसके बाद हम लोग जाने वाले ना, वो हमारी आखिरी डेस्टिनेशन होने वाली है डे 1 की, ठीक है। अभी भी देखो अभी कितने बजे, अभी भी 3:15 ही बजे, आप देख सकते हो 3:30 होने आए। और मतलब मान लो कि सुबह मैंने 10 बजे से स्टार्ट किया था, तो आज के दिन में, और वो कैसा है कि देखो भाई मैं तो अभी सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है कितना टाइम मेरे को जाने, क्योंकि अभी कोई दोस्त वोस्त होते हैं तो क्या कहीं पर बैठते खाना खाने जाते, तो मैंने क्या सुबह मस्त अच्छा नाश्ता करके निकला था, और बीच में मैंने एक दो बार जूस और ये सब पी लिया, तो ठीक है, तो उसमें मेरा टाइम भी नहीं गया। तो अगर आप दोस्तों के साथ है तो आपको और मज़ा आएगा, लेकिन कोई नहीं गया, अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि भाई सोलो ट्रैवलिंग में कैसे, लेकिन मज़ा आ रहा है। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन, आज के दिन की आखिरी डेस्टिनेशन। चलो गैस करो, चलो छोड़ो मैं ही बताता हूँ, आखिरी डेस्टिनेशन है हमारी कांकरिया लेक, ठीक है। कांकरिया लेक और कांकरिया जू, देखते हैं जू में जाने का मौका मिलता है नहीं, लेकिन अभी मैं अंदर का आपको सब दिखा दूंगा क्या है क्या नहीं।
और एंट्री फीस और वो सभी तो यहाँ पर सामने लिखे हुए। ये अडल्ट के लिए 10 रुपये है और चाइल्ड के लिए 5 रुपये, ठीक है। सो गाइस ये हमने ले लिया है टिकट, ठीक है, देख सकते हो आप 10 रुपये है इसका फेयर, मतलब यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर आप चारों तरफ ऐसे घूम सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई प्लान बनाओ ना तो कभी मंडे का मत बनाना, क्योंकि मंडे के दिन ना कांकरिया बंद रहता है, ठीक है। तो मंडे के दिन पॉसिबल हो तो मत बनाना। और सुनो एक और चीज़ मैं आपको गजब की बताता हूँ, ठीक है भाई। यार ये पीछे गाने बज रहे हैं ना भाई, कॉपीराइट ना आता है, ठीक है, कोई ना छोड़ो। दिखा दे, देखो ये है भाई कांकरिया लेक, ठीक है, बहुत ही गजब का है। और सुनो एक बात, अब देखो ये कांकरिया लेक को देखना आप, अगर ऊपर से इसका फोटो देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो उसका जो लोगो है ना यहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ऐसे आपको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर दोनों आप कंपेयर कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आओ तो बोटिंग का भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, बड़ा ही आपको मज़ा आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या क्या इसका फेयर है वो सभी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आप बिल्कुल चेकआउट कर लेना। सो गाइस यहाँ पर जो नगीनावाड़ी ना वहाँ पर हम जा रहे हैं, और अगली अगर आपके पास कैमरा है ना तो उसके यहाँ पर अलग से 30 रुपीज़ आपको टिकट चार्ज लगेगा सब शूट करने के लिए। और ये सभी जाओ। सो गाइस यहाँ पर हमने एंटर कर लिया नगीनावाड़ी, मतलब बेसिकली क्या है कि ये पूरा बगीचा है, ठीक है। तो आप सेंटर में जाके सब देख सकते हो। सो देखो यहाँ पर करने जैसी चीज़ें क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं तो यहाँ पर इतना रुकने नहीं वाला, लेकिन अगर आप आओ तो टाइम लेके आना, क्योंकि यही आज के दिन में जो था ना वो सबसे ज़्यादा आपको मतलब मज़ा आने वाली चीज़ है। देखो सबसे पहले तो हमने नगीनावाड़ी में एंटर किया ना, तो उसके यहाँ पर टोटल 3 रुपये लगे, ठीक है, नगीनावाड़ी में एंटर करने के। फिर यहाँ पर एक स्पीड बोट है, उसमें आपको फेयर लगेगा 130 रुपये। उसके बाद में सिंपल बोट है, उसमें तकरीबन 30-40 या 60 रुपीज़ जैसा कुछ फेयर है। और उसके बाद 4:30 बजे के बाद यहाँ पर लेज़र शो होता है, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर, तो उसके भी टिकट समथिंग 40 रुपये जितनी है। तो उसमें बहुत मज़ा आता है। और ये ना जो लेक है ना भाई, मतलब वो आप रात में आओगे ना तो वो बहुत कमाल का लगे। अभी इतना मज़ा नहीं आएगा, मतलब मज़ा तो आएगा मतलब इतना नहीं, अगर रात में सिर्फ फ़ोटो वगैरह चेक करना है इंटरनेट पर भाई साहब बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पर इतनी करने जैसी चीज़ें। और एक और बात कि वहाँ पर सामने ना वो क्या बोलते हैं अपना जू है, तो यहाँ पर अगर आप छोटे बच्चे को ये तो वो देख सकते हो, मतलब आपको सब दिख जाएगा, शेर है, बाघ है, वो सब, हाथी, ये सभी चीज़ें, मगरमच्छ होगा, ये सभी चीज़ें आपको देखने में मिल जाएगी, फिर तरह तरह के पंछी। फिर इसके अलावा हाँ, और एक और बात की भाई, जो मैंने एंटर किया ना तो वो गेट नंबर 7 से मैंने एंटर किया, तो वहाँ पर आप अपना व्हीकल रख सकते हो और सभी गेट से एंट्री हो जाती है, ठीक है, लेकिन पार्किंग सभी जगह पर आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप आओ ना तो गेट नंबर 7 से आना, तो उसके बाजू में आपको पार्किंग भी मिल जाएगा और एंट्री फी तो मैंने आपको बताया 10। तो इतने कुछ चीज़ें करने जैसी है, तो देखो जितना हो सकता है उतना मैं आपको दिखा दूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से घूम लेना। सो गाइस ये आप सामने देख सकते हो, यहाँ पर ना किड सिटी भी है, और वहाँ पर अगर शायद दूर देखोगे ना ये देख सकते हो, तो वो थोड़ा बहुत मतलब जो अम्यूजमेंट पार्क होता है ना तो ऐसा है, मतलब नॉर्मल इतना नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है, देखने लायक, हॉरर जैसा भी है, मतलब जो नहीं हॉरर रूम होता है वो भूत बंगला बोलते हैं, वो काइंड ऑफ ऐसी चीज़ भी है। और भी कई चीज़ें, तो जितने जितने मेरे को मतलब बाद में समझ में आएगी ना, मतलब पता चलेगी, वो मैं एक बार देख के डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ें डाल दूंगा। और बाकी यहाँ पर जो लेजर्स होता है वो यहाँ पर शायद बीच में होता है, उन्होंने मेरे को बताया कि जो नगीनावाड़ी में हम जाके हैं ना वहाँ पर बीच में होता है, और यहाँ से ना सब जो खाना का सब कुछ चीज़ें स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ट्राई करना कि आप तृप्ति में खाओ, वो सबसे आखिर में, ठीक है, तृप्ति 1 और तृप्ति 2। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय श्री राम। और हाँ गाइस एक मेन चीज़ तो बताना भूल गया कि ये देख सकते हो ट्रैक, तो यहाँ पर ना ट्रेन चलते पूरे, मतलब इसके पूरा राउंड मारते, ठीक है।